हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है, हमारे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं पोइट्री के, जिसमें 4 पोएम हो चुके हैं। और अब हमारी जो 5वीं पोएम है वो है नो मैन आर फोरन। वैसे तो पोइट्री के हिसाब से ये 6 पोएम है, लेकिन जो 5th पोएम है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, तो इसके कारण हम 6th पोएम कर रहे हैं, नो मैन आर फोरन। जो नो मैन आर फोरन है ये किसके द्वारा लिखी गई पोएम है? ये जेम्स किरकप के द्वारा लिखी गई पोएम है। तो जेम्स किरकप थे, वो एक जाने माने पोएट थे, राइटर थे। कहाँ से थे वो? इंग्लैंड से थे। उनका जन्म 23 अप्रैल 1980 के अंदर हुआ था, और उनकी जो डेथ थी वो 10 मई 2009 में हुई थी। तो उन्होंने बहुत सी पोइट्री लिखी हैं, जिनमें से नो मैन आर फोरन ये उनकी एक पोइट्री है। तो इन दिस पोएम द पोएट वॉन्ट टू से दैट कि इन दिस वर्ल्ड नो मैन आर स्ट्रेंज और नो कंट्रीज फोरन, कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, अननोन नहीं है, कोई भी अजनबी नहीं है, और नो कंट्रीज फॉरन, कोई देश विदेशी नहीं है। सभी क्या हैं? सभी एक समान हैं, इक्वल हैं, कोई देश अलग नहीं है। सभी देशों में जो व्यक्ति हैं वो एक जैसे हैं, सिर्फ क्या है उनकी स्किन के अंदर ही डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनमें सभी में क्या है, जो बॉडी पार्ट हैं वो सेम है। तो इन दिस पोएम देर इज, दिस पोएम इज फ्री ब्लैंक वर्स पोएम। इस पोएम में ना ही कोई स्टैंजा है और ना ही कोई राइम स्कीम है। अगर किसी पोएम के अंदर ना राइम स्कीम हो और ना ही कोई स्टैंजा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री वर्स पोएम, एक फ्री ब्लैंक वर्स भी कह सकते हैं। तो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस पोएम। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरन, विथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, लाइक अवर्स द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल सेल लाई। तो इन दिस लाइन्स पोएट वॉन्ट टू से दैट रिमेंबर, किसको कह रहा है ये? ये सभी ह्यूमन बींग्स को कह रहा है कि रिमेंबर्स, याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कि नो मैन आर अननोन इन दिस वर्ल्ड, वी आर ऑल इक्वल, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, नो कंट्रीज फॉरन, नो यानी कि कोई भी देश क्या नहीं है, फॉरन नहीं है, विदेशी नहीं है। ये सब क्या है? हमारे अपने बनाए बॉर्डर हैं। अगर हम उन बॉर्डर को हटा देंगे तो कोई भी देश क्या है, वो विदेशी नहीं है। सभी क्या हैं? सभी इक्वल हैं, एक जैसे हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हेयर यूनिफॉर्म मीन्स सोल्जर्स यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है वो सोल्जर के यूनिफॉर्म है। हर देश के सोल्जर की जो यूनिफॉर्म है वो अलग अलग होती है। कोई किसी तरह की यूनिफॉर्म पहनता है, तो कोई किसी तरह की यूनिफॉर्म पहनता है। तो कभी कहता है कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, उन यूनिफॉर्म के नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रेथ, जो शरीर है वो क्या है, उस एक ही शरीर क्या है, सांस लेता है। तथा सभी के जो शरीर है वो एक जैसा है, सिर्फ क्या है, उनके स्किन के अंदर डिफरेंस हो सकता है, रंग रूप में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो बॉडी है वो एक जैसी है। लाइक अवर्स, वो क्या है, हमारी जैसी है। The land our brothers walk upon, वो भूमि जिसके ऊपर हमारे जो भाई हैं, जिन्हों हम क्या कहते हैं, जिनको हम फॉरनर कहते हैं, जिनको हम स्ट्रेंज कहते हैं, walk upon, जिस भूमि पर वो चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वो इसी भूमि की तरह, जैसी हमारी भूमि है, जैसी अर्थ हमारी है, तो उनकी भी वैसी ही अर्थ है। इन विच वी सेल ऑल लाइफ, वो धरती जिसके अंदर हम सब ने एक दिन क्या है, मर के चले जाना है, यानी कि उसमें मिल जाना है। सेकंड लाइन है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर,
are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their line we read a labor no different from our own. So in this line, poet want to say that therefore human beings, all those peoples who are स्ट्रेंज फॉरनर, जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंज कहते हैं, फॉरनर कहते हैं, तो उन सभी के लिए क्या यूज किया गया, दे, यानी कि दे टू, वे भी अवेयर ऑफ सन, अवेयर मीन्स कॉन्शियस, वो भी जागरूक है किससे, ऑफ सन एयर एंड वाटर, वो भी सभी चीजें प्राप्त करते हैं, सूर्य की धूप उनको भी लगती है, वो भी हवा प्राप्त करते हैं, उनको भी पानी मिलता है, यानी कि दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और वो भी क्या है, शांति के दिनों में भरपेट भोजन का आनंद लेते हैं. By wars long winter starved, और जब युद्ध चल रहा होता है और सर्दियों में जो लंबी लंबी जो सर्दियां, यानी कि लंबी सर्दी होती हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियां होती हैं, तो उस टाइम भोजन के lack of production के कारण वो क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं, क्योंकि युद्ध में क्या है कि जो हम है, जो भोजन है, यानी कि जो प्रोडक्शन है, वो बहुत कम होती है, और उस प्रोडक्शन के कारण काफ़ी लोग क्या है, वो भूखमरी का सामना करते हैं, बहुत दिनों तक लोग क्या है, भूखे रहते हैं. देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके जो हाथ हैं वो भी क्या हैं, हमारे ही हाथों की तरह हैं, उनके हाथ अलग नहीं हैं, वो भी उन हाथों से वही मेहनत करते हैं जिन हाथों से जो हम मेहनत करते हैं, कोई कम मेहनत करता है तो कोई ज़्यादा मेहनत करता है. In their lines we read, उनकी यानी के लेबर में हम पढ़ते हैं, उनकी लाइनों में हम पढ़ते हैं कि ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओवन, उनकी जो मेहनत है वो हमारी मेहनत से अलग नहीं है, अर्थात हम कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करते, हम कोई ज़्यादा उनसे लेबर नहीं करते, कोई कम काम करता है तो कोई थोड़ा ज़्यादा काम कर लेता है. तो कहने का मतलब क्या है कि सभी लोग एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है, ये सब हमने क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप बनाए गए भेदभाव हैं, हमारे द्वारा ही बाउंड्री बनाई गई हैं, और इसीलिए क्या है, हम एक देश को विदेशी कहते हैं. तो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है कि हम सभी क्या हैं, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, ना ही कोई स्ट्रेंज है और ना ही कोई विदेशी है. यदि हमारे अंदर भावना हो, यदि हम उन बाउंड्रीज को मिटा दें, उन बाउंड्रीज को ख़त्म कर दें, तो कोई भी देश फॉरनर नहीं होगा, कोई व्यक्ति हमारे लिए अजनबी नहीं होगा, सभी क्या हैं, हमारे जैसे ही हैं, हमारे ही भाई हैं और हमारे साथ ही रहने वाले हैं. सभी के उनकी क्या है, जो मेहनत है वो भी क्या है, हमारी जैसी ही मेहनत करते हैं. रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आइज लाइक अवर्स, उनकी भी वैसे ही आंखें हैं जैसी हमारी हैं. दैट वेक और स्लीप, जो क्या है, जागती हैं और सोती हैं, अर्थात उन आंखों से क्या है, कभी उसी टाइम पर वो उठते हैं, उसी टाइम पर वो सोते हैं, उनके भी वही आंखें हैं, वही कान है, वही नाक है, वही दो आंखें हैं, दो पांव हैं, दो हाथ हैं, यानी कि वो भी हमारे जैसे हैं, हमसे अलग नहीं हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाई लव, और वो हमारे ही जैसे क्या है, उनके अंदर भी ताकत है, जिसको हम किससे जीत सकते हैं, जिसको हम प्यार से जीत सकते हैं. इन एवरी लैंड, यानी कि हर अलग अलग देशों में, अलग अलग भूमि के ऊपर इज कॉमन लाइफ, वहाँ पर जो लाइफ क्या है, वो एक समान है, सभी एक जैसा ही सामान्य जीवन जीते हैं. दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, इसको हम क्या है, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फोर्थ, लेट्स रिमेंबर, आओ याद रखें, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, कि जब भी हमें कहा जाता है कि टू हेट, घृणा करने के लिए अवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों से, अर्थात जो कोई भी हमें कहता है कि वो हमारे से क्या हैं, अलग हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे एनिमी हैं, तो इट इज़ अवर सेल्फ, ये हम खुद ही होते हैं, दैट वी सेल डिस्पोज इज बैटर कंडेमन, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. तो इन दिस लाइन पोइट वॉन्ट टू से दैट कि लेट्स रिमेंबर वेन एवर एनी वन सैड टू अस टू हेट अवर ब्रदर्स, कि कोई भी जब हमें कहता ना हमारे भाइयों से
हमें घृणा करनी चाहिए, हमें वो हमारे दुश्मन हैं, तो उससे हम क्या है, उससे हमारा ही नुकसान है। इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी सेल्फ डिस्पोज। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं, हम अपने आप को क्या बैटरी धोखा दे रहे हैं, और कंडेमन हम क्या हैं, निंदा कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम ही वो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं। ह्यूमन बींग्स ही है कि वो जो दूसरे यानी कि ह्यूमन बींग्स के खिलाफ हथियार उठाता है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, ये मानवीय भूमि है जब हम हथियार एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, हमारे भाइयों के खिलाफ जब हम हथियार उठाते हैं, तो इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये हमारी यानी कि मानवीय भूमि है दैट वी डिफाइल, जिसको हम क्या करते हैं, डिफाइल मीन्स पोल्यूट करते हैं, जिसको हम गंदा करते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, यानी कि हेल्स ऑफ फायर का मीन्स क्या है यहाँ पर, कि जो युद्ध के कारण जो भी अग्नि पैदा होती है, जो आग उत्पन्न होती है, एंड डस्ट, जो धूल उत्पन्न होती है, जो धुआं उत्पन्न होता है, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, जो क्या खत्म कर देता है, जो आउटरेज मैंने खत्म कर देता है, एंड कर देता है द इनोसेंस ऑफ एयर, इनोसेंस मैंने प्योरिटी को, ऑफ एयर मैंने हवा की, जो हवा की प्योरिटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जो हवा को क्या कर देता है, गंदा कर देता है। दैट इज एवरीवेयर आवर ओवन, जो हवा है वो हर जगह क्या है, एक जैसी चलती है, हमारी ही है, उस हवा के अंदर हम सांस लेते हैं, यदि वो हवा गंदी होगी तो वो हर जगह होगी, और उसी के कारण क्या है, हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाएंगे, और जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। रिमेंबर, लास्ट इन द लास्ट लाइन व्हाट आल्सो सेज दैट रिमेंबर्स नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, तो इन पंक्तियों लास्ट की पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी नहीं है। कहने का मतलब है कि हम सभी क्या हैं, हम सभी इक्वल हैं, हमें कभी भी एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल वी कैन से दैट इन दिस पोएम पोएट गिव अस ए मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो हमें वो क्या है, सांसारिक भाईचारे के का मैसेज देना चाहता है कि हम सभी को क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए, हम सब क्या हैं, हम सब एक हैं, कोई स्ट्रेंज नहीं है, कोई फॉरेन नहीं है। देर आर ऑल्सो पोएट यूज सम लिटरेरी डिवाइस इन द फर्स्ट फोर लाइन, पोएट यूज फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफर, तो मेटाफर इन विच वी कंपैरिजन इनडायरेक्टली बिटवीन टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों के बीच में इनडायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं तो मेटाफर होता है। तो मेटाफर यहाँ पर क्या है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, तो यूनिफॉर्म यहाँ पर किसके लिए है, सभी सोल्जर्स के लिए, यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ, तो इन लाइनों में कवि ने क्या यूज़ किया है, तो यहाँ पर पोएट ने मेटाफर का यूज किया है। सेकंड जो डिवाइस यूज की गई है वो की गई है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज ए डिवाइस इन विच रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड, यानी कि जब बार बार एक लाइन के अंदर जो आपस में जो क्लोजली कनेक्टेड जो वर्ड है उनमें जब एक जैसी साउंड आती है तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन, जैसे बॉडी और ब्रेथ, इन सभी में क्या है, एलिट्रेशन है। थर्ड जो डिवाइस यूज की गई है वो है रेपिटेशन, रेपिटेशन मीन्स किसी चीज का, किसी भी वर्ड का बार बार प्रयोग करना, बार बार यूज करना, जैसे रिमेंबर, यहां पर इस पोएम के अंदर 5 बार रिमेंबर यूज हो चुका है, रिमेंबर, 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 रिमेंबर और रिमेंबर, तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इस जो बार बार जो ये रिमेंबर वर्ड यूज किया जा रहा है तो ये सब क्या है, रिपीटेशन है। तो ये थी आपकी पोएम, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, यदि फिर भी किसी को समझ में ना आई हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है या डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकता है, ग्रुप के अंदर जो कॉन्टैक्ट है वो दिया हुआ होता है। थैंक्स, दैट्स ऑल।